Hi guys, welcome back. We are back at another edition of our series. आज हम डिस्कस करने लगे हैं डालमोर. डालमोर. ये देखो. डालमोर की 12 ईयर ओल्ड विस्की. वेरी वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग, जैसे आप देख सकते हैं कोई सेलिब्रेशन पैकेजिंग है शायद. हाँ, तो ये भाई रेगुलर डालमोर 12. वेल, डालमोर 12 रेगुलर है, पर इसका ये जो बॉक्स है ये रेगुलर नहीं है. ये जैसे अपना दिवाली या क्रिसमस के टाइम पे ये लोकल लिकर स्टोर्स पे ऐसा कोई गिफ्ट पैक वाला सीरीज जो है, गिफ्ट पैक वाला सामान आ जाता है, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया. एक तो हम देसियों को डील की या ऑफर की बड़ी अच्छी आदत है ना. अगर $100 की ये बोतल, ग्लास कलेक्शन गाइस, ग्लास कलेक्शन, अगर $100 में मुझे कोई बोतल जो रेगुलर भी $100 की है उसके साथ दो ग्लास फ्री दे दे, मेरी तो होगी ना चांदी. व्हाट अ पैकेजिंग गाइस, लुक एट इट, है ना. बोतल कितने प्यार से पैक्ड है, साथ में डालमोर के इंग्रेव्ड ग्लास भी हैं. तो ये तो फिर सोने पे सुहागा वाला काम. बोतल की ब्यूटी देखिए गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल लुकिंग बॉटल ओवर हियर वी हैव, और साथ में उसके साथ मैचिंग ग्लास. ये बनी ना बात आज. हाँ गाइस, ध्यान रखिए ये गिफ्टिंग के लिए, देखिए क्या पैकेजिंग है, बिल्कुल, है ना. और प्राइस रेंज भी बहुत जेन्युइन है इसका, है ना. और अभी विस्की तो हम आपको पी के बताएंगे, वैसे हमने पहले पी है. ये डब्बा साइड रख देते भाई, ये तो काफी भारी भरकम है, तो काफी स्पेस खींच जाएगा. ये लीजिए. थैंक यू. प्लीज. ऑलराइट, लेट्स डू द ऑनर्स. तो डालमोर 12 एक बहुत ही बढ़िया विस्की है. यहाँ पर भी बड़े आराम से रेडली अवेलेबल है. इंडिया में भी हर जगह मिल जाएगी, लोकल लिकर स्टोर्स पे भी, ड्यूटी फ्री पे भी. अरे क्या टिका के किए हो भाई, क्या बात है. हाँ, पहले कितनी वुडी फ्लेवर्स, क्या बढ़िया आ रहे हैं इसमें. वेरी नाइस. बहुत बढ़िया. अब बात बताओ तुम इसके बारे में. हाँ, तो ये जो लोकल लिकर स्टोर होते थे एक जमाने में, कि वो जाली लगी हुई, जंगला लगा हुआ, उसमें से हाथ डाल के पैसा दे रहे कि भाई बोतल दे दो, बोतल दे दो, वहां नहीं मिलेगी. अगर जो क्लासी, थोड़ा फैंसी, जो अपस्केल लिकर स्टोर्स हैं, वहां पर हर सिटी में आजकल वही ट्रेंड हो गया है. बिल्कुल बिल्कुल. और वही मिलेगी. इंडिया में भी इजिली अवेलेबल है, दिल्ली ड्यूटी फ्री में. ये एक बहुत ही क्या कहें, कॉमनली अवेलेबल है. वेरी, और वन ऑफ द मोस्ट प्रमोटेड विस्की, क्योंकि एक तो बोतल की शेप कितनी सुंदर है, और ये जो स्टैग लगाया है जो डालमोर ने, जो मेटल का, इट इज ऑल मेटल, कोई प्लास्टिक नहीं, कोई चीपनेस नहीं है. ग्लेन कैरन जैसे ग्लास आपको मिले एक विस्की के साथ, क्रिस्टल के, दीज आर क्रिस्टल ग्लासेस, तो और चार चांद लग जाता है भाई. अब मैं डाल देता हूँ, चलो. डालमोर, डालमोर. वेरी नाइस. मेरे को था कि ये भाई ने बोल दिया तो फिर चला जाए. भाई बराबर ही डला है क्या? हाँ, मैं आगे. कोई बात नहीं, आप बड़े आप आगे. नहीं कहा डालमोर. हाँ, बहुत ही सुंदर ग्लास है. विस्की का कलर कितना सुनहरा, गोल्डन, बहुत ही प्यारा कलर है यार. वेरी रिच, वेरी रिच, बहुत ही मजेदार है. हमने मेसमराइज हो गए, देखो ना क्या बात है, क्या डीप रिच कलर है इसका. थोड़ा रेडिश टिंज है, जैसे बॉटल पहले ही एक डिनोट कर रहा था, जैसे सिगार की रैपिंग नहीं होती. सिगार से अच्छा याद कराया, इनका एक वर्जन आता है जिसका नाम ही सिगार माल्ट है. अच्छा. हाँ, तो इनकी कोर रेंज में एक तो ये 12 साल है जो हम पी रहे हैं आज, एक है इनकी 12 साल शेरी एडिशन जो सिर्फ और सिर्फ शेरी में ही बनी है. वाह. तो वो थोड़ी डार्कर है, थोड़ी मरूनिश कलर और ज्यादा है उसमें, उसका टेस्ट होगा. हाँ, और फिर 14 है, 15 है, 18 है, 21 है, और उसके बाद एक किंग अलेक्जेंडर 3rd भी आती है, उसके बाद इनकी लुमिनरी सीरीज, तो काफी वैरायटी है इनके. मतलब कोर प्रिंसिपल रेंज में 8 विस्कीज हैं. अच्छा. हाँ, और ये 12, 15 और 18, कई जगहों पे 21 बड़े आराम से मिल जाएगी. किंग अलेक्जेंडर, चलो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूएस में तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा. कुछ तो जो भी 21 ईयर ओल्ड विस्की होती है ना, वो थोड़ी ऑन ऑर्डर, थोड़ा स्पेशल, वो थोड़ा सिलेक्ट ही मिलती है. कुछ लिमिटेड एडिशन आते हैं, कुछ बोतलें आते, कुछ आते. थोड़ा इसके प्राइस रेंज के बारे में बात करो. हाँ, तो ये भाई जब मैंने खरीदी थी ये वाली, तब ये $99 की थी. अच्छा. आज की डेट में इन्फ्लेशन के साथ ये हो गई 119 की. अच्छा, विच इज नॉट बैड. देखो, ठीक है, ठीक है. साल $20-40 तो सभी कुछ. हाँ, और साथ में मेरे को खुशी इस बात की थी कि दो ग्लास दे दिया. बिल्कुल, $10 ग्लास का भी ले ले मेरे से. और फैंसी ग्लास, जैसे आपने कहा कि बोतल तो कलेक्शन में होती है, ग्लास भी और हो गए. करेक्ट. तो और इसकी जो 15 है वो ऑलमोस्ट 140 की है, सॉरी
ये यहाँ 119 की है, इंडिया में है ये 6000 के करीब की। अच्छा, और ड्यूटी फ्री पे लो तो दी बेस्ट है, क्योंकि कई बार इंडिया में दिल्ली ड्यूटी फ्री, कोलकाता ड्यूटी फ्री, हैदराबाद ड्यूटी फ्री पे दो पे डील मिल जाती है कि आपको 10,000 में दो मिल जाएंगी। आई नो, है ना। और वो डील, डोंट मिस दोस डील्स। हाँ, वो बहुत दिल्ली ड्यूटी फ्री, आउट ऑफ मेनी प्लेसेस आई विजिटेड, दिल्ली ड्यूटी फ्री का प्राइस बहुत ही लाजवाब है। लाजवाब प्राइस है, वन ऑफ द बेस्ट ड्यूटी फ्रीज इन द वर्ल्ड। हाँ, दिल्ली ड्यूटी फ्री काफी वर्ल्ड आप भी घूमे हो। मैं हाँ, हाँ, हाँ। दिल्ली ड्यूटी फ्री एक ऐसी जगह है कि एक तो जाते हुए एयरपोर्ट से बाहर ड्यूटी फ्री मिलता है और फ्लाइट बोर्ड करने से पहले भी मिलता है। सो एक ही जगह एक ही ड्यूटी फ्री दो बार, अमेजिंग। रेंज भी लाजवाब रख, रेंज भी लाजवाब। और एज ए सेड, अगर हम जैसे मैंने कहा कि देसी डील्स के शौकीन है, 10,000 में अगर दो बोतलें मिल रही हैं तो और ऑटोमेटिकली और सस्ती हो गई। बिल्कुल, so, बिल्कुल बहुत बढ़िया हो गई। अब इसको नोज करते हैं। बिल्कुल, बहुत कॉम्प्लेक्स है इसकी। मुझे इसमें पता क्या, फंकी जो फ्लेवर नहीं होता शेरी का, हाँ, मेरे को जो सबसे प्रॉमिनेंट लगा, हाँ जी, चॉकलेट। चॉकलेट है, बहुत हल्का है। मुझे इसमें जो वाइन के जैसे ये वाली जो है, ये अमेरिकन ओक और शेरी कास्ट दोनों में एज्ड है। इट्स अ ट्विन बैरल कॉम्बिनेशन। तो जो शेरी वाइन का जो फंक है, ग्रेप वाला जो फंक है, वो है। चॉकलेट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, चॉकलेट भी आ रही है, वनीला भी आ रहा है इसमें, तो है ही। हाँ, ऑरेंज भी आ रहा है हल्का हल्का। टेस्ट क्या कहता है? टेस्ट बहुत यूनिक है। या तो ये बड़ा ही पंजेंट, और जो स्पाइसेस है, जो अपने खड़े मसाले हो गए, सिनेमन हो गया, स्टार एनीस हो गया, नटमेग हो गया, बहुत तगड़ा पंच है इसका। इट हैज अ वेरी गुड पंच। और लेग्स देखो, ऑफ कोर्स बहुत, इसकी तो लातें पहली वाली से भी ज्यादा लंबी हैं। ये तो ओलंपिक रनर है। नहीं, बहुत स्टिकी विस्की है। हाँ, ये तो ओलंपिक रनर है। पता नहीं ग्लास की शेप हाँ कि ऐसे ही है। सुंदर है, टेस्टी है, पर शेरी का फंक जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। कुछ एक अलग टेस्ट भी है इसमें। हाँ, ये ड्राइड फ्रूट्स वाला फ्लेवर भी आ रहा है, जैसे थोड़े फर्मेंटेड ड्राइड फ्रूट्स नहीं होते, कुछ जैसे, कुछ है। हाँ, जैसे किशमिश हो गई, खुमानी हो गई, फिग्स हो गए, जो बिल्कुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इस विस्की में यूनिकनेस है इसके। अपने जो वो टेस्ट और बर्न बहुत माइल्ड है, जो सिग्नेचर है वेपर सिग्नेचर तो बहुत ही माइल्ड है। मेरे भाई आपका डब्बा आ गया। अच्छा। इसको डब्बे से पढ़ के बता दो आपको। प्लीज। द आर्ट ऑफ द डालमोर। फॉर ओवर 150 इयर्स द डालमोर हैज सेट द स्टैंडर्ड इन मल्टी कास्क मैच्योरेशन। हैंड सिलेक्टेड कास्क फ्रॉम द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट बोडेगास एंड वाइनरीज एंड एक्सपर्टली क्यूरेटेड टू क्रिएट अ सम्प्शियस एंड लेयर्ड विस्की ऑफ लेजेंडरी फिनेस। डेफिनेटली लेयर्ड है, लेयर्ड है, दर बदर खुल रही है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने बॉटल लिटरली अभी खोली और ग्लास में डाल दी। थोड़ा इसको एयर अप होना पड़ेगा ना। इसको बिल्कुल, इसको थोड़ा टाइम दो खुलने का, तभी मैंने, अगर आप नोटिस किया तो कोर्क को साइड पे रखा थोड़ी देर तो कि हवा जाए, ताकि बिल्कुल, अगली बिल्कुल। बार पिए ये थोड़ी और मजेदार हो जाए। यस यस, अभी ये ताजी है, नई है, तो थोड़ी इंटेंसिटी इसमें ज्यादा है। तो ये जब थोड़ा खुलेगी, हल्का मेलो होगी, थोड़ा रिझेगी, रिझाएगी, थोड़ी शांत हो जाएगी। तभी मैं इसे स्वर्ल भी कर रहा हूँ, ये थोड़ी एरेट हो जाए। बिल्कुल, कि फ्लेवर प्रोफाइल इसका कॉम्प्लेक्स है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पैलेट पे ये बेस्ट है इसका फ्लेवर प्रोफाइल। और भी विस्कीज है जिनके जो जिनका फ्लेवर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर मेरे पैलेट पे ये वो मजा नहीं आया आपको ज्यादा। पसंद है, नो डाउट, ये विस्की अच्छी है, गुड क्वालिटी। हाँ हाँ, पर इसके कुछ जो नोट्स है हाँ, वो मेरे लिए बहुत ही वो नहीं, यूनिक है कि आपके पसंद वो नहीं है, वो यूनिक है, और मैं यूज्ड टू भी नहीं हूँ। हाँ, तो चलो भाई, यही मजा है एक तो वीडियो बनाने का और कलेक्शन के थ्रू जाने का, कि हम लोग काफी कुछ ट्राई करते हैं, जैसे कि हमने इतनी विस्कीज ट्राई की हैं, साथ में कितनी बार पिए हैं, कि ये जो ड्राइड फ्रूट्स, खुमानी, ये जो कुछ इसको किशमिश वाला फ्लेवर है, ये कहीं नहीं आया। जो वेनिला है इसमें, चॉकलेट भी यूनिक है, है ना, चॉकलेट का तो स्मेल है इसमें। हाँ, यू कैन स्मेल हिंट ऑफ चॉकलेट। थोड़ा कॉफी का भी है क्या, कि मेरे को ही लग रहा है कॉफी है, वेनिला है। हाँ, कुछ कुछ इस टाइप का भी है, और वुड फेंट है बहुत।
बिल्कुल वही ना, क्योंकि अमेरिकन ओक एक्स बर्बन, उसकी वजह से थोड़ा स्वीटनेस और जो वेनिला आया, और ये जो फंकी और ड्राइड फ्रूट वाली जो स्मेल आ रही है वो शेरी कास की बदौलत है, और आई थिंक ये उसी की बदौलत ही है ये कलर. कलर हाँ ट्रू, यही रिजॉल्व करता है ये कलर का गेम. बिल्कुल, कि इसके रिचनेस ऑफ कलर में कुछ वाइन का कलर है. बिल्कुल, थोड़ा पानी डाल के देखा जाए कि शायद कि इसका जो फंकीनेस है, मेरे को लगता है ये खुलेगी. बिल्कुल, पानी डाल के देख. हाँ जी, तो मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ा पानी डाल के ना ये जो इसका जो फ्लेवर्स हैं ड्रामेटिकली चेंज हो जाएंगे. सो ये वन ऑफ दोस विस्कीज है कि बिना पानी और विद वाटर विदाउट वाटर दो विस्की का मजा देगी. कॉम्प्लेक्स जिस भी विस्की का फ्लेवर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो आइस और पानी के साथ थोड़ा वो मेलो होता है, ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल होता है ना. वाओ, जो फंकीनेस जो बोल रहे थे हम ड्राइड फ्रूट्स वाली स्मेल में बिल्कुल खत्म हो गई है, चली गई है ना. वेनिला प्रोमिनेंट हो गया, बिल्कुल स्मेल में भी हो गया है, और चॉकलेट भी आ रहा है, कॉफी भी और एनहेंस हो गया है इसका. हाँ हाँ, टेस्ट भी बेटर हो गया, बर्न तो बिल्कुल ही नहीं है. ओह वाओ, है ना, बहुत ही स्वादिष्ट हो गई है. क्या स्मूथनेस है, बिल्कुल वेनिला का, बिल्कुल आप जैसे कह रहे हो प्रोमिनेंट हो गया, मीठा मीठा और लंबा हो गया. वो जो ड्राइड फ्रूट में भी थोड़ा मीठापन होता है वो भी और लंबा खिंच चला गया है, और थोड़ा एयर आउट भी हो गई विस्की. और ये विस्की खिली है, खुली नहीं है, ये खुली तब थी, खिली खिली अब है. खिली अब है, और हम लोग किलकारियां मार रहे हैं. मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, डाल मोर डाल मोर डाल मोर. बिल्कुल नहीं, ये विस्की वो है कि थोड़ा खुलने के बाद थोड़ा सहजता से ये धीरे 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 ऊपर बढ़ती है. हाँ, अब ये विस्की हो गई डिलीशियस, बहुत ज्यादा. भाई पानी डालने के बाद इसने बिल्कुल रूप रंगत सब बदल दिया, जादू कर दिया. अब स्कोर में बताया जाए, शब्दों में तो बहुत बयान कर लिया, अब नंबरों में बयान किया जाए कि कैसी रही है विस्की. स्वाद है हाँ, थोड़ा अभी ओपन हो रही है, पहले भी पी है हमने. बिल्कुल है ना. हाँ जी, पहले मेरे को लगता है यही हुआ है कि वो विस्की हमने धीरे धीरे पी है. हाँ, तो उसको टाइम मिला है एयर आउट होने का, थोड़े आइस. पिछली बार कैमरे में नहीं थे ना हम, बार मारते हुए महफिल में बैठे थे, तो आराम आराम से पिए. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप. स्कोर के हिसाब से इस बार स्कोर तुम पहले दो. अच्छा, मैं पहले दूं? हाँ, मैं थोड़ा पशोपेश में हूं उसके साथ. ओके, तो मेरा स्कोर इसके लिए होगा 73. वेरी गुड. मैं इसको ज्यादा दे नहीं सकता क्योंकि एज आई सेड की बोतल अभी खुली है, जुम्मा जुम्मा इंटेंस है, और जो पानी के बगैर ये थी कंफ्यूज कर दी थी. कंफ्यूज आ गए थे हम. मालूम है कुछ वेनिला भी, चॉकलेट भी, सिट्रस भी, नटी भी, बुडी कम है ना, तो लग रहा था कि ये स्कॉच थोड़ा अपने फेस पे गिरेगी. इट वाज गोना फॉल. टू मेनी फ्लेवर्स हैपनिंग, एकदम से बहुत सारे फ्लेवर्स आ गए थे. ठीक है, वो दे वर नॉट डांसिंग वेल. अब ये थोड़ा डांसिंग वेल है. तुमने इसको 73 दिया है जी, और मैं इसको 70 ही दूंगा. 70 ठीक है, नॉट टू फार ऑफ. हाँ, मेरे को लगा था जिस तरह के एक्सपेक्टेशन पे थोड़ा ये पूरा नहीं उतरी, पूरी नहीं उतरी. देखो ना, पैकिंग, ग्लास, बॉक्स, गिफ्टिंग विस्की इतनी बढ़िया, क्रिसमस आ रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा ज्यादा बनता है. और जैसे आपने बॉक्स पे भी पढ़ा और आपको कह भी रहे थे, 150 साल से ये बना रहे हैं. सो दे नो व्हाट दे डूइंग. इट्स जस्ट दैट कि हम लोग आदी नहीं है. तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया. क्योंकि देखो इसके अलावा हमने शेरी भी पिया है, इसका सिगार मॉल्ट भी पिया है, पोर्ट वाला भी हमने पिया है, तो भी हमने वो काफी पसंद किया है वो वाला. मैं एक बात कहूँ. हाँ जी, ये विस्की का ना वो जो इसके हेरिटेज है, हाँ जी, उस हिसाब से विस्की वो बात नहीं बना पाई. ठीक बात है, ऑनेस्ट ओपिनियन. नहीं, बिल्कुल ठीक बात है. और ये भी देखिए ना, ये इनके ब्रांड का सबसे बिगिनिंग वाला है. इट इज द सबसे सस्ती, सबसे बिगिनिंग वाली है. आगे 15 है, 18 है, 21 किंग है, अलेक्जेंडर वगैरह वगैरह, इतने जो हमने डिस्कस किए हैं, वहां पर अब जब जाएंगे तो ये थोड़ा और मजा देगी. और ये थोड़ा $100 के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी बाकी 12 के हिसाब से ये थोड़ी महंगी है. महंगी है 12 साल वाली, बाकी $50 से लेके $70-$80 तक रैप अप हो जाती है. हाँ जी, हाँ जी. और 15 साल वाली जो विस्कीज है वो इस प्राइस रेंज में शुरू होती है. इसमें अल्कोहल कितना है ये मेरे ख्याल, मेरे भाई 42 है. रियली हार्श है, थोड़ी
40% ही है, 40% पे ही थोड़ी है। ये शहरी कास्ट का जादू है मेरे भाई, ये शहरी कास्ट का जो फंकीनेस जो है ना वो है। तो not for me guys, I like that, used to होना पड़ेगा। इट इज ये राइट आउट ऑफ द बॉक्स पीने वाली नहीं है, इसको थोड़ा खुलने दो, थोड़ा पानी डालो हल्का, खोलो विस्की मे बी आइस इट, हाँ आइस के साथ थोड़ा ठंडा करके यू विल एंजॉय। तो ट्राई करने में कोई हर्जा नहीं है मेरे भाई। जैसे हम लोग को नहीं पसंद है, शायद किसी और को पसंद आए और वो हमको तारीफें करता फिर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हर कोई का पैलेट अपना है। एब्सोल्युटली टेस्ट इज ऑब्जेक्टिव, हाँ सबका अपना है ना। हम और मेरा और कुणाल का हमेशा थोड़ा सिमिलर है टेस्ट, हाँ, तो इसीलिए द स्कोर रिफ्लेक्ट्स कि हमें ये कैसी लगी। पर इट्स अ गुड विस्की टू हैव इन योर कलेक्शन, इट्स अ गुड विस्की टू हैव इन योर बार, वेदर यू अग्री विद इट, चाहे आप इसको हर बारी पियो, गो टू विस्की ना भी हो, पर गाइस विद दिस पैकेजिंग ग्रेट ग्रेट गिफ्टिंग विस्की, आप देखिए इसके हाँ, इसका लुक, इसको गिफ्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई आपको बुरा नहीं मनाएगा अगर आपने किसी को विस्की दे दी। एंड समथिंग फॉर किसी और के लिए भी कुछ ट्राई करने के लिए होना चाहिए, हाँ शायद किसी को शायद ये बहुत ही पसंद आए। बिल्कुल, तो चलिए, ऑलराइट गाइस, चीयर्स, ड्रिंक रिस्पांसिबली एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।